and I'm desperate. अभी ये देखे बाइक भी बैठा हूँ जल्दी आ रहे हैं कॉलेज का लेट हो रहा कॉलेज जाते हैं रस्ते में आपको दिखाते हैं थोड़े से टाइम लैप्स भी देखे हैं और स्कूटी बहुत कर दिए गए ना क्या कहते हैं इन्होंने हकूमत आपका भाई यार फिलहाल 17 ईयर का यानी कि 17 साल का तो जो जानते हैं वो जानते हैं नहीं जानते वो भी जानते हैं लेकिन अभी ना मैं उस 17 साल का किसी जैसे ना बहुत तंग करते हैं अंदरेज पे हेलमेट भी पहन लेते मर्जी कभी बच बचा के जाता हूँ वैसे टाइम लैप्स आपको दिखाता हूँ बाकी आपको रिलेटिव आपके साथ शेयर करते रहेंगे अब आप ही हमारी फैमिली की तरह ही है यूट्यूब फैमिली है बस जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और नहीं सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करना ठीक है ना और इंस्टा तो आपको पता ही नहीं होगा अगर इंस्टा पे दिल करे तो फॉलो कर देना मैं मेंशन कर दूंगा लेकिन चले ठीक है फिर मिलते हैं बाद एक दो ये तीन 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 चार पांच छः सात नहीं बाप तो आ जाते कि नहीं आप ये कहते हैं कि आप पर देख के यार मेरा माइंड क्या जब हो गई तो हद तक का काम आ गया था जब जा रहे हैं घर कोली से टाइम में ऐसा को खा दियो बाकी आप भी बता देना भाई बच्चा को क्यों मैं चला था ड्राइवर है देख के मैं खा ओए ओ भाई ओल तो गाइस आपने भी देखा होगा हम घर पहुंच चुके हैं तो भी देखा तो नहीं वैसे मैंने आपको बताना था सॉरी माय मिस्टेक तो अभी हम वैसे घर पहुंच गए हैं अभी आपको तकरीबन 4 बज रहे हैं ये जो सर्दी की वजह से ना इस कदर उन्होंने गंदा टाइम किया हुआ ना कि मैं आपको क्या बताऊँ सुबह 9:30 कॉलेज लग रहे हैं ठीक है ऑफिस टाइम पे कॉलेज लग रहे हैं कोई कॉलेज हो स्कूल हो जो मर्जी हो और 3:45 इस तरह छुट्टी हो रही है तो अब हम आए हैं आप 3:30 हम घर पहुँचे थे अब 4 बज रहे हैं सारा दिन इसी काम में करते हैं सर्दियों के दिन तो आपको वैसे ही पता कितने छोटे होते हैं तो सारा दिन इसी काम में निकल जाता है ना बंदा कोई काम करने जगह रहता है जो अकेडमी जाते हैं वो बच्चे रो रहे हैं वो कह रहे हैं रोने से मुराद ये नहीं कि रो रहे हैं मतलब वो तंग में है तंगी में है बिल्कुल कि ना 3:30 कॉलेज से आओ 4 बजे अकेडमी ये आप खुद बताएं ज्यादा हो जाएगी नहीं तो अब हम क्या कर सकते हैं तो अभी हम यूनिफॉर्म में यहाँ मुझे बड़ा उलझन देता है यूनिफॉर्म तो अभी वैसे मैं नया नया ब्लॉगर हूँ मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है कैसे बनाते हैं कैसे नहीं एडिटिंग कभी कुछ खास है नहीं मेरी चलो फिर भी हम वक्त के साथ साथ सीख लेंगे आप बस आप अपने भाई को याद रखा करें ना मतलब के सब्सक्राइब वगैरह किया करें समझा करें जरा हमारे मतलब आपको मत सिखा चल तो चलो आपको फ्रेश होकर मिलते हैं जरा यूनिफॉर्म वगैरह करना ओके फिर
इसके काम चेक करो भाई, आप नहीं बात करता आपको बात है। अब यार ऐसे फैन रखे ना, थोड़ा लोग ना हमारे पास आए कुछ नहीं, फैन रखने छोटी सी चीज तो रखते हैं। शॉपिंग शॉपिंग करने जा रहे हैं सर, अल्लाह इस शॉपिंग से बचाया जाए। आज फोग अच्छी हो रही है यार, होली होली होली। चल खड़ो में आराम से मार, बाइक तेरी अपनी है। हेलो भाई, व्लॉग बन रहा है, ध्यान से जरा, ठीक हो गया ना? यार तुझे मैंने अभी क्या कहा, मुझे भी टून गानी पड़ेगी यहाँ पे तुझे। इसको मैंने अभी वो भूखा भी है, साकी पठानों ने काम ना करी यहाँ पे, इसको मैंने बोला भी है ना करे। ठीक है, व्लॉगिंग कर रहे हैं, देखो अभी क्या सीन बनता है। रहा नहीं जाता, चलो भी ऐसी है ये कबाड़ी हमारा। कबाड़ी कबाड़ी किधर गया है कबाड़ी ने, कबाड़ी के लिए क्यों सही कट करना पड़ेगा मुझे। अब देखो यार हाजी भैया, हमें थोड़ा बताएं यार भाई, हर वहां पे मुड़े वाले को हाजी करने के लिए। अजा अजा वो यूं बोलते हैं, पता नहीं। तो गाइस वेलकम बैक करते हैं आपका, वेलकम बैक। क्या आउटरो मैं देने लगा था, क्योंकि ना अब आपको डेली रूटीन बतानी है। अभी हम इतने मसरूफ तो है नहीं, तो यानी कि थोड़ी बहुत ही हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं जितनी हमसे हो सकती है। तो आप बस ना हमें सपोर्ट करते रहें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है ना? और सब्सक्राइब तो लाजमी करना, उसके बगैर नहीं बात बनती। तो अब रात का काफ़ी टाइम हो गया, 12:01 बज रहे हैं, तो अब हम भी सोते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर कल फिर आप अपनी रूटीन बताएँगे। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।